हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को स्किप करिएगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैं बच्चों आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। आप देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको सीजीएल 2022 में पूछा गया है और थोड़ा सा इसमें ठीक है बच्चों, उसको आप ध्यान से देखें। बच्चों, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कैसे करना है हमको। देखिए, इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए अब आपको क्या करना होगा कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो यही फार्मूला आपको लगाएंगे, तो देखिए इसमें क्या होगा, 100 का स्क्वायर, तो ये जो हम इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो 100 माइनस एक आपको बता रहे हैं 100 माइनस 99 और एक होगा 100 प्लस 99 होगा। अब इसी तरह से बच्चों हम करेंगे, तो देखिए सभी में 100 में से 99 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 98 में से 97 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम जब करेंगे तो एक हमारी सीरीज बन जाएगी। तो आप थोड़ा सा देख ले, 98 माइनस 97 और फिर जो हो जाएगा 98 प्लस 97 हो जाएगा। अब इस तरह से ये जो सीरीज हमारी बनती जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 12 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 11 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 12 माइनस 11 होगा और 12 प्लस 11 हो जाएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब 100 में से 99 हम घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा और फिर ये हमारा होगा 100 प्लस 99 हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए, 98 में से 97 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर आपका वही हो गया 98 प्लस 97 हो जाएगा। और इसी तरह से अब हमको क्या करना होगा कि अब इसमें भी वही करेंगे, तो 12 में से माइनस 11 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा सीरीज आ जाएगी किस रूप में। अब हमारी सीरीज आ रही है 100 प्लस 99, 98 प्लस 97, ये कहां तक जाएगी, 12 प्लस 11 तक जाएगी। अब जो अब इसमें आपसे पूछा जाए कि टर्म कितने होंगे, तो टर्म हमारा इसको सम ऑफ टर्म आपको कहां से निकालना है, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, इसमें पदों की संख्या जो होगी हमारी 90 तक होगा। देखिए 100 प्लस 99, इसी तरह से 98 प्लस 97, 12 प्लस 11, तो ये पदों की संख्या हमारी कितनी होगी, n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 90 होगी। फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा a जो होगा हमारा कितना होगा, 100 होगा, और लास्ट टर्म को हम l से डिनोटेट करते हैं, तो l इज इक्वल टू कितना होगा, 11 होगा। अब इसमें हमको फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे 90 टर्म्स हमको निकालना होगा, तो यस एन बराबर होगा एन बाई टू ए प्लस एल हो जाएगा, ए प्लस एल, तो एन की प्लेस में क्या होगा, 90 हो जाएगा और 90 बाई टू होगा और ए के प्लेस में क्या होगा, 100 होगा और एल के प्लेस में क्या हो जाएगा, एल के प्लेस पे 11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने क्या हो जाए कि आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 45 और इनटू 100 में इसमें करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 4995। कहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 49 होगा, फिर 45 फिर फोर जोड़ देंगे 49 होगा, इस तरह से 4995 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं,
तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बेल के साथ साथ आग को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप लोग को मैं अच्छा से अच्छा टॉपिक पे वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा। बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। बस बच्चों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा। तो गुड नाइट, थैंक यू, वॉच टू वीडियो।